हेलो फ्रेंड्स, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस 27 वर्षीय पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो इनका जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके विषय में पहले मैं आप लोगों को बता दूं। इनका जो क्वेश्चंस वो इस प्रकार है कि इनको अपना खुद का घर लेना है, वो कब तक हो पाएगा? इनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। सेकंड थर्ड, ये छोटा सा बिज़नेस करते हैं, पिछले कुछ दिनों से इनके बिज़नेस में तकलीफ़ों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जो इनकम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनकम में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो इन सब के क्या वजह है और जीवन आगे का कैसा रहेगा, धन कितनी रहेगी, इन सब इनका जो मूल क्वेश्चंस है। तो एक एक करके इनके सवालों का जवाब करेंगे, ढूंढते हैं इनके पाम पे कि ऐसे कौन से बुरे योग हैं और कौन से अच्छे योग हैं जिसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये अपने लाइफ में जो भी इनकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति कर लेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इन सब प्रश्नों का आंसर इनके पाम के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं इनके एक सवाल का जवाब करना चाहूँगा कि इनके कुछ वर्षों से, पिछले 2-3 वर्षों का इन्होंने मुझे कैलकुलेट करके बताया था कि कुछ ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार उनको सफलता या कामयाबी या फिर कमाई नहीं हो पा रही है। तो देखो, इसकी वजह जो इनके पाम पे मुझे दिखी, अभी 27 वर्ष की है, तो इनकी एक देखो एक राहु लाइन थी, ये लगभग इनके लाइफ प्रति 25-26 वर्ष के अराउंड है। तो इसकी अवधि 1.5 से 2 वर्ष की है। तो ये थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लॉस और हो सकता है मे बी चांसेस है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग उस पर थोड़ी कमी करेगा, ठीक है। सेकेंडरी जो इनके पाम पे जो चीज़ है, बस यही एक प्रॉब्लम मुझे दिखी इनके पाम से, बाकी इनका पाम बहुत ही अच्छा है, मैं बताऊँगा कैसे। फिर उसके बाद इनकी जो भी फेट लाइन चल रही है वो भी ठीक ठाक अवस्था में चल रही है इनके लाइफ पे। ये इनकी फेट लाइन यहाँ से प्रगति पर है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल स्तर की कमाई हो जाएगी। हाँ, हल्की सी डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, ये एज लगभग 29 से लेके 31 वर्ष की आयु में आ रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी फेट लाइन, लेकिन हल्की हल्की दिखने वाली है, तो इसमें कोई विशेष प्रभाव इनको लाइफ पर नहीं पड़ेगा। तो जब पहला बार इनका पाम हमारे पास आया था तो पहले नज़र में ये पाम मुझे बहुत प्रभावित किया। इसका 2-3 वजह है। सबसे पहला वजह देखो, इनकी जो सबसे मुख्य रेखा है, जो चारों मुख्य रेखाएं आपकी जीवन रेखा हो गई, माइंड रेखा हो गई, हार्ट लाइन हो गई और फेट लाइन हो गई, कितनी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। जब इतनी स्ट्रांग माइंड रेखा, हार्ट लाइन, जीवन रेखा और भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग रहे तो इंसान के जीवन में जो बेसिक नीड्स होते हैं उसको ईजी वे में वो पूरा कर पाते हैं और कैपेबल रहते हैं अपने लाइफ के इच्छा को पूर्ति करने के लिए। जीवन में जो स्मूथनेस रहती है तो, और स्वास्थ्य की बहुत मेजर परेशानी नहीं होती, ये सब मतलब बहुत अच्छा इनको रेखा मिला है। और साफ सुथरा पाम है, सीधा साधा जीवन रहेगा, मीडियम स्तर वाला जीवन रहेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, ना कोई बहुत बड़ा एक बैग उछाल रहेगा, ठीक है। हाँ, ये धीरे 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 लाइफ में तरक्की को ज़रूर पाएंगे क्योंकि पाम साफ सुथरा है, बहुत कम रुकावटें पाम पर हैं और जो मुख्य रेखाएँ हैं वो बहुत अच्छी है पाम पर। मैं बार बार कहता हूँ कि जिन भी एप्लीकेंट्स के पाम पर मुख्य रेखाएँ काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो तो वैसे एप्लीकेंट्स ज़रूर अपने जीवन को स्मूथली जीते हैं। अब तो ये हो गई रेखाओं की बात, अब मैं बात करता हूँ ग्रहों की, ठीक है। तो मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज़ तो ज़रूर कहता हूँ कि ग्रहों की स्ट्रेंथ होना पाम पे बहुत ही ज़रूरी है। वो आपकी बेस को डिनोट करती है, बेस को दर्शाती है कि आपकी बेस कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है। तो इनका जो दूसरा क्वेश्चन था माता का स्वास्थ्य, देखो आपके पाम से आपकी माता का स्वास्थ्य का कोई गणना नहीं किया जा सकता, कोई तो किसी भी लिहाजे से मैं उनके विषय में पूर्ण तरह से जानकारी नहीं दे सकता। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, मंगल रेखाओं पर कुछ ऐसी रेखाएँ अगर बनी हो तो इंसान की माता का स्वास्थ्य वीक रहता है, ठीक है। लेकिन इनके पाम पे तो 2-3 को अलावा और कुछ मुझे दिख भी नहीं रही, तो इनके पाम के हिसाब से वैसी कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब उनके पाम में कोई ऐसे गलत योग हो तो अलग बात है। तो अब माँ पे पुत्र के पाम से माता की स्थिति का पता करना, मैं तो नहीं जानता पर्सनली कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, हल्की सी यहाँ पर से अगर पता चलती है कि अगर वहाँ पर कुछ रेखाएँ बनी हो तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पर उनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है अगर वहाँ पर रेखाएँ बनी हो तो। फिर इनका प्रश्न था कि जीवन में कितना आगे बढ़ पाऊँगा, क्या कुछ कर पाऊँगा, कितना कमा पाऊँगा। देखो, आपका जीवन जो है ना वो फेट लाइन बहुत स्ट्रांग है, आपको तो उन्नति लाइफ कर ली एज से दिख रही है और ये कंटिन्यू फेट लाइन आपकी अच्छी है। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब है, मैं आऊँगा तो बता दूँगा, फिर आगे भी अच्छी है। तो ऐसा फेट लाइन वाला इंसान का मुख्यतः ऐसी फेट लाइन हो और चंद्रमा अगर अस्तर मीडियम स्तर में हो या फिर उभार लिए हुए हो, साफ़ सुथरा हो, तो इंसान का जो
काम होता है, काम काज होता है वो घर से जुड़ा हुआ होता है, घर से जुड़े रह के ही कार्य करते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीते हैं और जीवन में एक स्मूथनेस रहती है, स्मूथली चलता जाता है उनका जीवन, ना तो कोई बहुत उछाल और ना ही कोई बहुत नीचे गिरते हैं। ठीक है, कोई बहुत उछाल के योग होते हैं पर्टिकुलरली वो सनलाइन भाग्य रेखा पर भी बनते हैं, तो वो कोई बहुत उछाल के योग नहीं है। और जीवन रेखा पर भी मैंने कहा कि बहुत उछाल नहीं होगा, इसका रीज़न ये है कि जीवन रेखा पर जीवन रेखा तो बहुत अच्छी है लेकिन कोई ऑफसूट नहीं है, कोई प्रोग्रेस रेखा नहीं है। तो प्रोग्रेस रेखा नहीं है और भाग्य रेखा पर कोई भी वैसे चिन्ह नहीं है जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान एकदम उछाल ले लेंगे। मतलब नहीं होता ना कि एक बैग उछाल, एक मतलब अभी देख रहा हूँ इस कंडीशन में, आगे चल के उस कंडीशन में चलेगा, एकदम से पॉजिटिव उछाल तो वो नहीं दिख रहा और ना कोई नेगेटिव कोई मतलब डिटोरिएशन दिख रहा है इनके पाम पे कि कोई नेगेटिविटी ये रहेगी या फिर नेगेटिव तरह से जाएंगे, या फिर जब अभी जीवन में जैसे इनकम को पा रहे हैं उससे एकदम से अभी 100 रुपये कमा रहे हो एकदम से 1 रुपया आ जाएंगे, वो भी नहीं दिख रहा। मीडियम स्तर का इनका रहेगा, मीडियम स्तर में मेहनत के दम पर भाग्य रेखा अच्छी है, ये अपने जीवन के लास्ट पीरियड तक पहुँचते ज़रूर अच्छे खासे मुकाम को पा लेंगे और रही बात करोड़पति की तो वो भी बन सकते हैं। जीवन के जैसे जैसे पढ़ाव आगे बढ़ते जाएगा वैसे धीरे धीरे कामयाब होकर ये बढ़ते चले जाएंगे। एकदम एक बैग नहीं होगा कि 1 साल 2 साल का डिफरेंस में हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ धनी व्यक्ति ये ज़रूर बनेंगे, ये तो दिख रहा है। फिर अब इनके पाम का मैं जनरल एनालिसिस की तरफ चलता हूँ, इनकी जो क्वेश्चंस थी मैंने उसको क्लियर किया, आइए देखते हैं और कौन सी बातें क्लियर होगी। सबसे पहले इनकी थंब पे नज़र जाती है, देखो थंब का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्ट्रांग है, तो सेकंड मार्शल कम है तो सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ डिज़ायर्स की लाइनें हैं तो इनका भी जो सोच रहेगा ना ये बहुत इन्फ्लुएंसिव होकर अगर ये सोच लें कि मुझे करोड़पति अरबपति बनना है तो अलग बात है, लेकिन इनका भी सोच रहेगा इनका जीवन ठीक ठाक से चले और मैं कुछ इतना सेव कर पाऊँ कि आने वाले समय में उसको अच्छे तरीके से कुछ भी मुझे प्रॉब्लम्स हो तो उसको मैं उसके पीछे लगा पाऊँ, इनका ऐसे लोगों का ऐसा सोच रहता है। फिर फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज बहुत अच्छी है इनके पाम पे, तो लॉजिक इच्छा प्लस लॉजिक शक्ति दोनों अच्छी दिख रही है इनके पाम पे, ठीक है वो भी इनके पाम पे काफ़ी अच्छी मुझे फील हो पा रही है, वो भी ठीक ठाक अवस्था में है। थंब की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है तो बड़ी थंब रहे तो इंसान 100% अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होता है, एक बैलेंसिंग पर्सनैलिटी रहती है, अपने आप को बैलेंस्ड कर सकते हैं, अपनी जो सोच है अपनी जो एक इच्छा है उसको बैलेंस तरीके से रख सकते हैं, जी सकते हैं। फिर देखो तो इनके फिंगर पर पैसे के भी जो जाने के योग है वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि फिंगर पर कुछ मुझे गैप जैसा फील हो रहा है यहाँ पर, अगर ये गैप हुआ तो 100% आप समझ लो कि पैसे जितने आप कमाओगे बचने के आसार थोड़े कम रहेंगे, मतलब सम होते चला जाएगा, खर्च होती चली जाएगी, ठीक है। फिर देखो तो इनके फिंगर पर इनकी जुपिटर फिंगर, तो इनकी जुपिटर फिंगर का जो लेंथ है और जुपिटर माउंट मीडियम है तो यहाँ से बहुत दबाव दिख रहा है, तो फैमिली टेंशन नो डाउट रहेंगी, लेकिन जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है तो धार्मिक आस्था इस कंडीशन में दिख रही है, ठीक है। उसके बाद देख लो सैटर्न और सन की एक तरफ से झुकाव है तो वही होती है, जीवन की कैलकुलेशन अच्छी रहती है और सन फिंगर काफ़ी बड़ी दिख रही है तो हिम्मत रहेगा, अगर इंसान के पास 50 रुपये भी रहे तो इंसान उसको इन्वेस्ट करने में कभी पीछे नहीं हटेगा, मतलब हिम्मत ही रहेगा, मतलब हिम्मत ही नेचर रहता है। और सूर्य आपकी जस मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी दर्शाती है तो एक नॉर्मल स्तर की प्रतिष्ठा भी दिख रही है, मेहनती डेडिकेशन भी दिख रहा है। एक बिजनेसमैन ये बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेसमैन के पाम पे जो एक कंडीशन है वो बहुत फुलफिल कर रहा है, चूंकि बुध की एकदम फिंगर लंबी है तो कम्युनिकेशन में कोई जवाब नहीं होगा, अपने सामान को अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगे, सेल्स की नॉलेज रहती है, मार्केटिंग की नॉलेज रहती है, बुद्धिमता रहती है, बुद्धि से कार्य को कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है ऐसे फिंगर वालों व्यक्ति के पाम पे, मैनेजिंग क्वालिटी, मैनेज बहुत अच्छा करते हैं लोगों को, मैनेज करके अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके को पाते हैं। फिर देखो इनके पाम पे लूप इनके पाम पे बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, खड़ी टाइप की लूप दिख रही है, तो ये क्या डिनोट करती है, ये डिनोट करती है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हो, आप चीज़ों को समझने में कितने कैपेबल हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ इनके पाम पे मुझे दिख रही है इसके माध्यम से। फिर देखो तो इनके पाम पे ग्रहों की स्ट्रेंथ पे आओ तो जुपिटर, देखो जुपिटर अच्छी है, एक प्रोग्रेस रेखा इनके पाम पे लगभग इनके जीवन के 21वें 22वें वर्ष से थी, तो 22वें वर्ष में कोई ना कोई इस काम में ज़रूर आए होंगे, 22वें 23वें वर्ष में एक प्रोग्रेस रेखा थी। फिर जुपिटर इनके मीडियम में है तो ये थोड़ी सी फैमिली टेंशन दर्शाती है, लेकिन यहाँ पर से उभार है तो इंसान एक दार्शनिक सोच का होता है और नॉर्मल स्तर की वैल्यू मान सम्मान रहती है, घर से थोड़ा सा परेशान रहते हैं लेकिन बाहर में ऐसे जातकों को वैल्यू मान जरूर मिलता है। सैटर्न की मैं बात करूँ तो सैटर्न यहाँ से फ्लैट आपको फील होगा, सैटर्न की जो माउंट है वो फ्लैट अवस्था में जा रही है, यहाँ से उभार है, इंसान के मेहनत का फल उनको, कर्म का फल उनको 70% के अराउंड जरूर मिलता है।
फिर देखो सूर्य की मैं बात करूँ, सूर्य का माउंट यहाँ से उठा उभार है और बुध की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कंप्लीट बिजनेस की इंडिकेशंस आ रही है। सूर्य का शिफ्टनेस अगर बुध की तरफ हो जाए, माउंट में मीडियम स्तर का उभार रहे और एक सूर्य रेखा रहे, तो इंसान का एक सूर्य सोर्स ऑफ इनकम रहता है और एक विद्या रेखा भी है, तो विद्या रेखा लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान अगर कम भी पढ़ा लिखा हो तो बेसिक नॉलेज अच्छी होती है जातकों की। फिर बुध का माउंट हल्का सा दबाव तो नर्वसनेस दर्शाता है, इम्यून सिस्टम वीक कर सकता है, नर्वस सिस्टम ये वीक कर सकता है। फिर देखो देखो मंगल, तो इनका मंगल जो है वो काफ़ी अच्छे अवस्था में है, दोनों मंगल ठीक ठाक है, एनर्जी अच्छी रहेगी, मेहनती इंसान होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं होते, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य रहेगा। मेरा क्वेश्चन था क्या लाइफ में ज़मीन कभी परचेज कर पाऊंगा, तो जो आपकी कंडीशंस मंगल की है तो आप ज़रूर कर पाओगे, ठीक है, आपकी जो नॉर्मल इच्छा है उसको ज़रूर पूर्ति होगी आपके जीवन में। फिर देखो तो इनके पाम पे इनकी मंगल, इनके चंद्रमा, तो चंद्रमा भी काफ़ी प्रभावित कि मुझे कुछ लाइनें ऐसे बनी हुई, सब सपोर्ट की लाइनें हैं, तो ये सब अगर एक्सटेंड कर जाए बढ़ जाए तो ये सब सपोर्ट दर्शाती है, छोटी छोटी लाइन दर्शाती है कि छोटी छोटी यात्राएं जीवन में रहती है। फिर देखो शुक्र थोड़ा सा इनका वीक जा रहा है, जुपिटर थोड़ा सा भी अनबैलेंस कर रहा है, तो दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत कला कचकच की स्थिति ये बनाता है। अगर यहाँ पर से चंद्रमा भी अगर मिसबैलेंस कर जाता तो फिर बहुत टेंशन देता, लेकिन चंद्रमा ठीक है तो इंसान बैलेंस कर लेगा। और शुक्र जो है इनका मीडियम है, तो मीडियम स्तर सुस्त हो सकते हैं थोड़ा, जब ऐसा मीडियम में सुस्त शुक्र रहे इंसान में सुस्तता लाता है, लेकिन कुछ मनी की लाइनें बनी हुई है तो मनी इंडिकेट कर रही है, पैसा मैनेज करने में कमाने में कैपेबल रहता है, कुछ लग्जरी की भी लाइनें मुझे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं लग्जरी का सुख भी मिलता है ऐसे जातकों को। फिर देखो देखो मंगल, तो इनका मंगल ठीक ठाक अवस्था में है, मीडियम एनर्जी अच्छी रहती है, कुछ लाइनें वरीड की नहीं, इंसान टेंशन कम लेता है, इंसान अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता है। फिर देखो जीवन रेखा बहुत पूर्ण और दीर्घायु योग आ रहा है इनके पाम पे, इस एज के बाद इनकी जीवन रेखा फेट लाइन से बन जाएगी, और एक बहुत अच्छी इंडिकेशंस केतु माउंट पे मछली एक बिजनेसमैन के पाम पे तो ज़रूर होनी चाहिए, तो ये मछली इनके भाग्य रेखा से चली है, तो भाग्य रेखा के पावर को इंक्रीज कर रही है, भाग्य से ही ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये राहु लाइन का डिस्टर्बेंस था, आगे आपको बहुत तरक्की उन्नति मिलेगी, और ये केतु कहीं ना कहीं आगे चल के इनका जीवन रेखा भी तो बनने वाला है ये रेखा, तो ये केतु का फिश जो है ना इनको फ़ायदा देगा, केतु का फिश बहुत मायने में फ़ायदा देता है, ये फ़ायदा देगा इनको फॉरेन ट्रिप के लिए, फॉरेन योग के लिए, भाग्य के पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। और फिश जो होता है बहुत शुभ साइन होता है, इंसान में धार्मिक आस्था भी वो इंडिकेट करता है, इंसान धर्म कर्म के प्रति भी ज़्यादा सजग और ज़्यादा सक्रिय होता है। फिर माइंड रेखा हर्ट लाइन, तो क्या बोलूँ, बात बहुत अच्छी है इनके पाम पे, तो बहुत दिलों दिमाग के बहुत बैलेंस्ड होंगे, चीज़ों को समझने वाले होंगे, और अपने इस बैलेंस्ड स्वभाव से जीवन में बहुत तरक्की को पाएंगे। फिर फेट लाइन की बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी चली, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब है 29 से लेकर लगभग 31 वर्ष की आयु तक में, फिर आगे अच्छी चली है और ये जीवन के लास्ट तक सूर्य को देख रही, तो हो सकता है लास्ट में कुछ फॉरन से संबंध आए, बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए, और एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के योग इनके पाम पे बनी हुई है, तो जी हाँ आप घर ले पाओगे अपने 36वें वर्ष के अराउंड, आपके घर मकान के योग आ रहे हैं, फिर सूर्य लेखा भी अच्छी है तो एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तो एक प्रॉपर्टी के योग तो आपके पाम पे 100% आ रहे हैं। एक हल्की सी मनी ट्रायंगल बनी, तो ये मनी ट्रायंगल चूंकि स्ट्रेंथ वाली नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, स्ट्रेंथ अगर रहे तो ही मैं इसको मनी ट्रायंगल इंडिकेट या मानता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी पैसे जमा करने में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर ये मनी ट्रायंगल बुध रेखा पूर्ण हो जाए तो ये क्या कहने, फिर ये तो बहुत अच्छा फल देगा इनके जीवन में, पैसे जमा करने क्योर करने बहुत कैपेबल होंगे। फिर इनके माइंड रेखा में बचपन में एक दबाव था लगभग इनके 17 वर्ष के आयु तक, उसके बाद तो ठीक था, कि आपका फॉर्मेशन था उसका ठीक थी माइंड रेखा, तो इनके पाम पे कोई विशेष लाइन नहीं है, तो साफ सुथरा हाँ था, जीवन भी साफ सुथरा रहेगा, साफ सुथरा इंसान होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपनी लाइफ को नहीं बनाएंगे, सीधा साधा सरल सा इनका नियम होगा, रोज कमाओ रोज खाओ, और अगर पॉसिबल हो तो अपने मेहनत के दम पर कुछ अच्छा करो। तो इनका जो बेसिक्स क्वेश्चन था मैंने अर्लियर इनका आंसर किया, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप हमसे पर्सनली परामर्श लेना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लेके मेरे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।